डोसे जैसा रोल कर देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इंस्टेंट है, इसका टेक्सचर, इसका क्रिस्प एकदम ही जैसे हम डोसा बैटर बनाते हैं वैसे ही आया है। बहुत ही बढ़िया, देखिए आप इसका टेक्सचर। सब्सक्राइब टू मधुराज रेसिपी एंड हिट द बेल आइकॉन टू रिसीव अपडेट्स ऑफ ऑल माय न्यू रेसिपीज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मधुरा। मधुराज रेसिपी हिंदी में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज हम इंस्टेंट डोसा कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इसमें ना आपको चावल और दाल अलग से भिगोने की ज़रूरत है, ना ही इसे फर्मेंट करने तक रखना है, बहुत फटाफट से बन जाता है। तो इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल का आटा। ये बाजार से लाया हुआ चावल का आटा है, अगर आप चाहिए तो होममेड आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 कप बेसन, ये रेगुलर बेसन है, बॉम्बे बेसन या फिर कोर्स बेसन नहीं है। पानी बैटर बनाने के लिए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच सोडा लिया है मैंने और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। डोसा बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में चावल का आटा लेंगे, उसमें बेसन डलेगा, नमक और सोडा। अब ये अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से बैटर बना लेंगे। इसमें कोई लम्स ना रहे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो पूरा पानी एक साथ मत डालिए, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये ऐसे मिक्स करते रहना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये ऐसा मिक्स करके लीजिए। एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी बैटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये बैटर बना के तैयार है और ये बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप और ऊपर से 1/4 कप पानी इस्तेमाल किया है। फाइनली इसमें हम नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हमारा डोसा बैटर बना के तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है बैटर की। अब हम इसे जैसे और यहाँ पर मैंने पैन मीडियम टू हाई हीट पर गरम करके लिया है। पैन एकदम गरम रहना चाहिए जब हम इसमें डोसा का बैटर ऐड करते हैं। और अब थोड़ा सा तेल लेके इसे ब्रश कर लेंगे पैन को। और हम जैसे डोसा बनाते हैं वैसे नहीं ये बनाएंगे, बीच में बैटर डाल के हम लोग जैसे स्प्रेड करते हैं, हम लोग इसे ऐसे पहले साइड से स्टार्ट करेंगे और इसे रवा डोसा बनाते हैं। जैसे बैटर में कड़े से डालेंगे, साइड से स्टार्ट करना और फिर बीच में, क्योंकि तवे का बीच का हिस्सा हमेशा काफ़ी गर्म रहता है और उसकी जो एजेस है वो हमेशा पकने में या फिर कुक होने में काफ़ी देर लगती है। तो इस वजह से हम लोग साइड से स्टार्ट करेंगे और इस पर ढक्कन रखकर 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। 2 मिनट ढक्कन रखकर मैंने पका लिया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। अब जब तक कि इसे अच्छा से ब्राउन कलर ना आए तब तक हम इसे पका लेंगे। मीडियम टू हाई हीट पर इसे पकाना है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई हीट मैंने ये डोसा पका लिया। अब इसे दूसरी साइड से भी थोड़ा सा पका लेंगे। कलर बहुत ही बढ़िया आया है, टेक्सचर भी बहुत खूबसूरत है। इसे कुक करके लेते हैं दूसरी साइड से भी थोड़ा सा, बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट ये पक चुका है, वापस पलट
रख लेंगे, इसे डोसे जैसा रोल कर देंगे। बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और इसे निकाल लेते। बहुत ही बढ़िया, इसे टेक्सचर कलर देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इंस्टेंट डोसा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये इंस्टेंट है। इसका टेक्सचर, इसका क्रिस्प एकदम ही जैसे हम डोसा बैटर बनाते हैं वैसे ही आया है। बहुत ही बढ़िया, देखिए आप इसका टेक्सचर प्लस इसका क्रिस्प, बहुत करारे बनते हैं। एकदम क्रंची बना है, टेस्ट बहुत बढ़िया है, टेक्सचर कलर। आज की ये रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ऐसी कुछ नई इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।